हेलो एवरीवन, आई होप यू डूइंग वेल। सो बहुत सारे आईआईटी ने अपना शॉर्ट लिस्टिंग स्टार्ट कर दिया है। लोगों का इंटरव्यू या काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है, जैसे आईआईटी बीएचयू का हो चुका है। आईआईटी बॉम्बे ने शॉर्ट लिस्टिंग का मैसेज देना स्टार्ट कर दिया है डिफरेंट ब्रांचेस के लिए। सो जल्द कुछ दिनों में इस जो सारे स्टूडेंट हैं अच्छे स्कोर के साथ, उनको कहीं ना कहीं सारे आईआईटीज में एडमिशन मिलने वाला है देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट। बट ये जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि कौन से आईआईटी का कितना फ़ी है, मुझे पर सेमेस्टर कितना फ़ीस पेमेंट करना पड़ रहा है, और ये आईआईटी का जो फ़ीस स्ट्रक्चर है इतना ह्यूज वेरिएशन क्यों है अलग अलग आईआईटी के लिए। किसी आईआईटी का फ़ीस बहुत ही ज़्यादा है, किसी आईआईटी का फ़ीस बहुत ही कम है। सो बहुत सारे लोग के लिए मनी एक कंस्ट्रेंट होता है। तो डेफिनेटली आपको जितने भी टॉप के आईआईटीज हैं उनका फ़ीस स्ट्रक्चर जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि कौन से आईआईटी का फ़ीस बहुत ही ज़्यादा है और कौन से आईआईटी का फ़ीस नॉमिनल है या बहुत ही कम है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना डिसीजन बना पाओगे, राइट? सो इस वीडियो में मैं आपको यही शो करने वाला हूँ, जो टॉप आईआईटीज हैं 8 या 9, उनका फ़ीस स्ट्रक्चर शो करूँगा। उसके बाद कंपेयर करने वाला हूँ कि किस आईआईटी का फ़ीस सबसे ज़्यादा है और किस आईआईटी का फ़ीस सबसे कम है, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आईआईटी बॉम्बे के लिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, जो न्यू इंट्रेंस वाले स्टूडेंट हैं, जो 2023 एडमिशन बैच है, उनके लिए ये फ़ी स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे ये कैटेगरी वाइज मेंशन है। जैसे अगर ए क्लासिफिकेशन की बात करें, एडमिशन फ़ी टू पेड एट टाइम ऑफ एडमिशन, ये रिफंडेबल नहीं है, तो ये आपको पहले सेमेस्टर में ही पे करना पड़ेगा। सेकेंड सेमेस्टर से ये जो फ़ीस है आपको पेमेंट नहीं करनी है, बट पहले सेमेस्टर में करनी है। तो कितना टोटल फ़ीस है, जैसे एडमिशन फ़ीस हो गया, ये थीसिस फ़ीस ओनली पीएचडी के लिए, ये एमटेक के लिए नहीं, ये तो मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ इसको, ठीक है? तो एडमिशन फ़ीस, ग्रेजुएशन, ट्रांसक्रिप्ट फ़ीस एंड मेडिकल एग्जामिनेशन, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, स्टूडेंट वेलफेयर, तो ये टोटल जो 8 ग्रुप हैं इनके टोटल जो फ़ीस मिला के होते हैं 9,400 फ़ीस होते हैं, ठीक है? एम टेक के लिए 9,400 हैं। तो ये ओनली अभी एडमिशन फ़ीस है जो आपको पे करना है और ये रिफंडेबल नहीं है। कितना? एम टेक के लिए 9,400। और उसके बाद जो फ़ीस सेकेंड आता है, आपको ये सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करना है, जो लाइब्रेरी के रूप में होता है या इंस्टीट्यूट सिक्योरिटी फ़ी एंड लाइब्रेरी का 6,000 पे करना है। और ये जैसे ही आप अपना एम टेक कम्प्लीट करेंगे आफ्टर 2 ईयर, ये मनी आपको रिफंड हो जाएगा। और यहाँ पे क्लियरली मेंशन भी है, ठीक है? और सी कैटेगरी पर सेमेस्टर फ़ी पेबल। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, जो मास्टर एम टेक के स्टूडेंट हैं उनका जो सेमेस्टर का फ़ीस है 21,950 रुपये, ठीक है? दिख रहा है यहाँ पे 21,950 रुपये। जो रेगुलर कैंडिडेट हैं, रेगुलर इट मीन्स कि जिनको टीए टीचिंग असिस्टेंट चाहिए, जो गेट के थ्रू जा रहे हैं, उनका 21,950 है। और भी कोर्सेज के यहाँ मेंशन है, पीएचडी के मेंशन है या स्पॉन्सर कैंडिडेट के मेंशन है, सेल्फ स्पॉन्सर कैंडिडेट के मेंशन है, बट मैं रेगुलर एमटेक की बात कर रहा हूँ, जो टीए एंड यू नो गेट के थ्रू जा रहे हैं। तो अगर हम तीसरे कैटेगरी की बात करें, तो आपको यहाँ पे दिख सकता है कि जी जो टोटल है ना ग्रुप 1 कैटेगरी में दिख रहा है, तो टोटल मिला के तीनों क्लास का 37,350 रुपये, ठीक है? और अगर हम यहाँ पे ऐड करें मेस, मेस मीन्स कि जो हॉस्टल से रिलेटेड है, हॉस्टल की जो फीस है या जो हमें मेस का पे करना है वो टोटल कितना है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये हॉस्टल रजिस्ट्रेशन, एक्स्ट्रा चार्जेज, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सब मिला के 17,250। और यहाँ पे आपको दिख रहा है एवरी स्टूडेंट स्टेइंग इन द हॉस्टल हैज़ टू पे पर सेमेस्टर मेस एडवांस, मतलब जो आपको मेस में फूड प्रोवाइड किया जाएगा उसका 20,500 पे करना है। तो जो मैंने अभी तक आईआईटी बॉम्बे के जो सारे फ़ीस अभी आपको मेंशन किए यहाँ पे, अगर उन सारे फ़ीस को ऐड करके अगर एक जगह आपको देखना है कितना हो रहा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल जो पहले सेमेस्टर में आपको फ़ी पे करना है आईआईटी बॉम्बे में वो है 75,050 रुपये, ठीक है? ये मैं जनरल और ओबीसी कैटेगरी की बात किया हूँ, ईडब्ल्यूएस की बात किया हूँ। एसटी और एससी के लिए जो ट्यूशन फ़ीस होता है वो माफ़ है, इट मीन्स
21,000 जो फीस था वहाँ पे ट्यूशन फीस वो आपका माफ़ हो जाएगा। बाकी जनरल EWS एंड सारे कैटेगरी के लिए 75,050 रुपये है। तो टोटल आपको पहले सेमेस्टर में IIT बॉम्बे में 75,000 रुपये पे करना है। अब हम चलते हैं IIT दिल्ली पे, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा क्लासिफिकेशन मेंशनड नहीं है, बट यहाँ पे बता दिया है कि कितना हमें पे करना है। जैसे MTech की बात करें तो जनरल OBC एंड EWS कैटेगरी में जो हमारा ट्यूशन फीस है 17,500 है, अदर चार्जेस 22,400, मे बी इसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर चार्जेस और भी क्या क्या इसमें ऐड है मुझे कुछ उतना आइडिया नहीं है, बट हाँ हमें पे करना तो पड़ेगा। तो ये अदर चार्जेस 22,400 है। इंस्टीट्यूट रेजिडेंस फीस मतलब जो हमें हॉस्टल का पे करना है वो 13,250 है। तो टोटल आपको यहाँ पे दिख रहा है 53,150 रुपये पे करना है MTech के लिए। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है जो हमने नहीं ऐड किया, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये मेस का है। तो अगर हम सिक्योरिटी डिपॉजिट देखें जो हमें रिफ़ंड हो जाएगा 15,000, लेकिन पहले सेमेस्टर में हमें पे तो करना पड़ेगा ना भाई। तो 15,000 ये सीट अलाटमेंट चार्जेस 7,000, मतलब हमें मेस हॉस्टल में सीट अलॉट होने के लिए 7,000 पे करना पड़ेगा जो कि नॉन रिफंडेबल है। इतना ज़्यादा फीस सीट अलॉटमेंट के लिए। एंड ये फैसिलिटी चार्जेस मतलब 28,000, ये कौन सा फैसिलिटी दे रहे हैं, ये तो पहले ही ऐड कर लिया था। कैसे चार्जेस ले रहे हैं मुझे तो कुछ आइडिया लग नहीं रहा, वो भी 28,000। अगेन मेस चार्ज 28,000, सारे IIT का मेस चार्ज 18,000, किसी का 20,000, बट IIT दिल्ली का जो मेस चार्ज 28,000। तो अगर हम जो मैंने आपको दिखाया सारा फीस अगर ऐड किए MTech के लिए पहले सेमेस्टर के लिए, तो हमें IIT दिल्ली में 1,31,150 रुपये। ये क्या है भाई, ये IIT दिल्ली है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है या प्राइवेट है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। मतलब देख रहे हो क्लियरली, यहाँ पे 1,31,150 रुपये, कौन ज्वाइन करना चाहेगा भाई, इतना ज़्यादा वेरिएशन। तो मैं तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं मैं यही कहूँगा कि अगर आपको बहुत सारे IITs में ऑफ़र मिल रहा है तो डेफिनेटली आपको फ़ी के बारे में थोड़ा सा अवेयर रहना चाहिए कि मुझे कौन सा IIT ज्वाइन करना है, क्योंकि यार देखो ये डेफिनेटली फ़ीस तो बहुत ही ज़्यादा है। तो टोटल IIT दिल्ली में हमें पे करना है 1,31,150। अब चलते हैं IIT कानपुर। IIT कानपुर ने सिर्फ एक ही पेज में सारा मेंशन कर दिया है कितना कितना पे करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एडमिशन फ़ी, ग्रेड कार्ड, सारे क्लासिफिकेशन वन टाइम पे करना है पहले सेमेस्टर में 2,950 रुपये, ठीक है। उसके बाद अनदर कैटेगरी बी है जिसमें हमें ये है सिक्योरिटी मनी पे करना है जो कि रिफंडेबल है, और टोटल जो मनी हमें पेमेंट करना है पहले सेमेस्टर में सिक्योरिटी मनी के रूप में वो है 17,000। और सेमेस्टर फी में सारे ऐड हैं जैसे एग्जामिनेशन, रजिस्ट्रेशन, सीट रेंट, वाटर चार्जेस 4,625 ओनली। एंड मेस का कितना चार्ज है 13,350। तो अगर इन हम सारे क्लासिफिकेशन ABCD को जोड़ दें तो 37,925 रुपये। ये तो हमें पे करना है पहले सेमेस्टर में, लेकिन सेकेंड सेमेस्टर तो आपको पता होना चाहिए कि जो 17,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट है ये हमें चौथे सेमेस्टर के बाद मिलेगा, लेकिन सेकेंड सेमेस्टर में हमें ये पे नहीं करना है। तो ये टोटल 37,925 रुपये हमें पे करना है पहले सेमेस्टर में ओनली, ठीक है। तो अगर ये सारे जो कैटेगरी हैं अगर हम इनको मिला दें, जो टोटल मनी हमें पे करना है, ठीक है, वो हमें पे करना है 42,925 रुपये, ठीक है। क्योंकि ट्यूशन फीस जो है ना यहाँ का हमें यहाँ पे दिख रहा है ई कैटेगरी, ई कैटेगरी इसमें ऐड नहीं किया है, ABCD ऐड किया। तो ई में अगर हम ट्यूशन फीस की बात करें तो 5,000 अगर इसमें और ऐड करेंगे तो हमें IIT कानपुर में ओनली 42,925 रुपये है। उसमें भी 17,000 तो सिक्योरिटी मनी है जो हमें रिफ़ंड हो रहा है, और सेकेंड सेमेस्टर में आप इसमें से 17,000 माइनस कर दो तो नियरली 25,000 हमें पे करने हैं। तो मुझे तो लग रहा है IIT कानपुर का फीस सबसे कम है, और आपको यहाँ क्लियरली दिख भी रहा है कि हमें 42,925 ओनली पेमेंट करना है। उसके बाद IIT खड़गपुर का ये सारे फी यहाँ पे मेंशन है कौन कौन से फी हैं, लेकिन अगर हम उन सबको टोटल सम करें तो IIT खड़गपुर में हमें पेमेंट करना पड़ेगा 60,830 रुपये पहले सेमेस्टर में। ये जो सारा ब्रेकडाउन है आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो, मैं अगेन एंड अगेन इसको रिपीट नहीं करूँगा।
क्योंकि वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। आई होप कि जो मैं अभी आपको ये सारे डिटेल दे रहा हूँ इसमें बहुत ही टाइम लगा है मुझे, तो अगर आपको ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो डेफिनेटली आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अपकमिंग वीडियोज़ के लिए, राइट। सो IIT खड़गपुर में टोटल हमें पे करना है 60,830 रुपये। उसी तरह अगर हम IIT मद्रास का ब्रेकडाउन जो है फीस का उसको अगर कंबाइन देखें तो हमें IIT मद्रास में जो टोटल फीस पे करना है वो 79,750, मतलब 79,750 रुपये IIT मद्रास का है टोटल पर सेमेस्टर का। अगर हम IIT रुड़की की बात करें तो IIT रुड़की में हमें जो पेमेंट फी पेमेंट करना है वो 59,650 रुपये पहले सेमेस्टर में। एंड अगर हम IIT BHU की बात करें टोटल कंबाइन फीस, तो अगर हम IIT BHU की बात करें कंबाइन करके, यहाँ पे मेस का मेंशन्ड नहीं है बट मैंने मेस के बारे में पता किया था कि जो भी IIT BHU में है उनको पर मंथ 3,000 पे करना पड़ता है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग सेमेस्टर का ऐड किया हूँ, तो 6 महीने होते हैं पर सेमेस्टर और उसके हिसाब से 6 × 3 = 18,000, तो इसमें मैंने टोटल फ़ी की ऐड करने के बाद 18,000 और ऐड कर दिया है जिससे कि आपका टोटल मेस सीट रेंट एंड सारे फीस मिला के पहले सेमेस्टर में जो आपको पे करना है 47,965 रुपये, ठीक है। तो अगर इन सारे फीस को देखने के बाद हम इनको हाईएस्ट टू लोएस्ट देखें तो कौन सा सबसे टॉप पे आता है कौन सा सबसे लो पे आता है, उससे हम क्या कर सकते हैं कि थोड़ा डिसीजन बनाने में आसानी होगी कि अगर मुझे मल्टीपल्स ऑफर मिल रहे हैं और मनी एक कंस्ट्रेंट है ज्वाइन करने का, तो डेफिनेटली हम इस ऑर्डर को फॉलो कर सकते हैं और ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला आप सभी लोगों के लिए डिसीजन मेकिंग में। तो यहाँ पे क्लियरली जो विनर निकल के आता है सबसे ज़्यादा फी में वो है IIT दिल्ली। मुझे तो कुछ आइडिया लग ही नहीं रहा है कि ये गवर्नमेंट है या प्राइवेट है। 1,31,000 कौन पेमेंट करेगा यार IIT दिल्ली, इतना ज़्यादा फीस कहाँ से आप ले रहे हो, कोई कंपैरिजन नहीं है किसी IIT से आपका। तो जो भी IIT दिल्ली में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप थोड़ा फी का ख्याल रखना। हाँ, तो उसके बाद चलते हैं IIT मद्रास जो सबसे ज़्यादा फीस लेने वाला इंस्टीट्यूट है IIT दूसरे नंबर का, वो है IIT मद्रास 79,750, और तीसरे नंबर पे IIT बॉम्बे 75,050, चौथे नंबर पे है IIT खड़गपुर जो लेने वाला आपसे 60,830 पहले सेमेस्टर में, और चौथे नंबर पे आता है IIT रुड़की 59,650, और छठवें नंबर पे निकल के आता है आपका जो IIT BHU सिर्फ आपको पे करने हैं 47,965 पहले सेमेस्टर में, और जो सबसे कम फी लेता है IIT में वो है IIT कानपुर, ये आपसे केवल 42,925 रुपये लेता है। लेकिन ये ध्यान रखना है इसमें इसमें सिक्योरिटी मनी इसका 17,000 है, ये आपको पहले सेमेस्टर में ओनली पे करना है। जैसे ही आप सेकेंड सेमेस्टर में जाओगे तो आपको जो है कि ओनली 25,000 पे करना पड़ेगा। तो सबसे कम जो फीस लेने वाला इंस्टीट्यूट है वो IIT कानपुर है MTech के लिए, उसके बाद है IIT BHU। तो आई होप कि आपको ये जो दिख रहा है IIT दिल्ली से लेके IIT कानपुर तक हाईएस्ट टू लोएस्ट फी, तो आपको ये डिसीजन मेकिंग में बहुत ही हेल्प होने वाला है IIT ज्वाइन करने में। सो थैंक यू सो मच।